अल्मोड़ा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई है। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नौटियाल ने कहा कि संस्थान के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें हिमालय के पर्यावरण और आर्थिक संरक्षण पर शोध करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, हिमालय क्षेत्र में जल संरक्षण की वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के अनुसार स्थानीय लोगों को ढालना है। पर्यटन विकास पर भी संस्थान काम कर रहा है और नीति आयोग ने संस्थान को विकास का मॉडल तैयार करने का दायित्व सौंपा है। अल्मोड़ा से नसरीम अहमद की रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम है, जो अभी हमारे जो व्याख्यान दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ खान, उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो हमारे जहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें ताकि हम अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, एक। दूसरा, वनों का संवर्धन हो सके, दो। और तीसरा, यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया भी था। और आज की के परिदृश्य में, आज के बाद जो हमने कार्य करना शुरू किया है, अभी कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है।